এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সহযোগিতায় শহরে যে নগর উন্নয়নের কাজ চলছে সেই প্রকল্পের অঙ্গ হিসেবে প্রস্তাবিত পার্কিং লটের জায়গায় পরিদর্শনী বুধবার 14 এবং 14 নং বুথ সংলগ্ন স্থান পরিদর্শন করেছেন স্মার্ট সিটি লিমিটেডের প্রধান শৈলেশ কুমার যাদব এবং মেয়র ইন কাউন্সিল হিমানি দেবর্মা সহ পুর প্রতিনিধিরা। প্রকল্পের বিভিন্ন খুঁটিনাটি উল্লেখ করে শৈলেশ কুমার যাদব জানিয়েছেন, নগর সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে আগামী দিনে যেসব কর্মসূচি রূপায়িত হবে তার অঙ্গ হিসেবেই এখানে গড়ে তোলা হবে পার্কিং লট। এডিবি ব্যাংকের সহযোগিতায় এই নগর উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধির কাজ চলবে বলে উল্লেখ করেছেন শৈলেশ কুমার যাদব। ये फंडिंग में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, अगरतला स्मार्ट सिटी कर रहा है उसको, जो कि उज्जैन पैलेस के चारों तरफ का एरिया जो है उसको डेवलप करना है, सामने का भी पीछे का। उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, जैसे अस्तबल जो पुराना था नॉर्थ गेट के पास, जो ऐसे टूटा फूटा था जिसमें लोग बैठ के नशा पिशाब ये सब करते थे, उसको पूरा डेवलप कर रहे हैं। उसके बगल में जो लैंड रिकॉर्ड का पुराना बिल्डिंग था जिसमें आग लग गया था पहले, आप लोगों को याद होगा, उसमें वहां पे हम लोग एक फूड कोर्ट कर रहे हैं। और वहां पे ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे विजिटर आएंगे बनने के बाद, तो उन सबके लिए यहाँ पे पार्किंग बनेगा। यहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जगह है, जो कि यहाँ पे भी देख करके समझ में आ रहा है कि यहाँ पे भी बहुत सारा कुछ इलीगल काम धंधा होता है, लेकिन इसको अभी क्लियर करके और यहाँ पे अभी हम उस पार्किंग का भी कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट में बाकी जो आपका ये जो लक्ष्मीनारायण बारी ये जो पुखुर है, इसके साइड में जो गार्डन है पूरा गार्डन भी बनना है। आपके पैलेस के सामने जो आपका टी गार्डन है बड़ा, वो और दोनों साइड का बड़ा गार्डन ये पूरा बनना है और उसमें फाउंटेन लगना है सेंटर में। और जो पश्चिम दिखे जो पुखुरा है, पश्चिम साइड में जो पुखुरा, उसमें बड़ा एक फ्लोटिंग फाउंटेन लगना है 117 मीटर का, जिसमें लेजर शो भी होगा। ये सब इस प्रोजेक्ट के कंपोनेंट है। और इसके पीछे पैलेस के पीछे वाले एरिया में एक टूटा फूटा पुराना फाउंटेन और वो सब बना हुआ है जो पहले था, अच्छा उन सबको ठीक से दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट किया जाएगा। वहाँ पे नया फाउंटेन और बढ़िया बैठने का जगह बनाया जाएगा, एंट्री थिएटर जहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंस वगैरह हो सकते हैं। और ये सारा काम अभी ये चल रहा है फुल फ्लो में, ये उसी का एक कंपोनेंट है इस प्रोजेक्ट का। तो यहाँ थोड़ा लैंड का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लोकल्स के साथ बातचीत करके हम करेंगे जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ताकि उनको कोई असुविधा ना हो। हमारे साथ इस एरिया के कॉरपोरेटर भी आई हैं, हिमानी देवर्मा जी, प्रोजेक्ट के इंजीनियर सभी लोग आए हैं, तो सबसे मिलजुल के जो सबको जो सहमति हो वैसा ही किया जाएगा, ताकि प्रोजेक्ट के लिए अच्छा हो। थैंक यू।